गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अब जो हमने कल क्वेश्चन पढ़े थे लाख की चूड़ियाँ के, उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। पंक्ति मतलब लाइन, व्यथा मतलब दुख। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस लाइन में किस दुख की ओर इशारा हुआ है, ये हमें बताना है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। मतलब इस लाइन में लेखक ने कारीगरों का कौन सा दुख की ओर इशारा किया है कि मशीनों के आ जाने से जो बेचारे कारीगर थे, जो हाथ से काम धंधा किया करते थे, उनके तो हाथ ही कट गए। उन कारीगरों का रोजगार इन अपने पैतृक, पैतृक मतलब पूर्वजों से प्राप्त धंधों से ही चलता था, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं था। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी इस कला को ही बढ़ाते चले आ रहे थे और इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब मशीनी युग आ गया तो उनकी रोजी रोटी पर वार हो गया, मशीनों लोगों को बेरोजगार बना दिया। इस व्यथा को बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में कौन सा दुख था जो लेखक से नहीं छिपा। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप वो जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। वो क्या कहता है, बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियाँ बेचता था, लेकिन अब कौन सी चूड़ियाँ आ गई, कांच की। जो लोग कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनने लगे तो जो उसका बिजनेस था वो ठप हो गया, और ये जो दुख था बदलू के मन को बुरी तरह कचोटता था। उसको ये दुख था कि मशीनी युग के आने से उस जैसे बहुत सारे कारीगर बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, और अब लोग कारीगरी का ध्यान ना करके किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चमक धमक पर। यही बात लेखक से छिपी नहीं रही। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। जब मशीनी युग आ गया तो बदलू के जीवन में क्या चेंज हुआ। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथे माथों पर नसे उभर आई। मतलब मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये चेंज आया कि उसका जो था बिजनेस ठप पड़ गया, फिर बिजनेस ठप होने से वो बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगार होने से वो कुछ नहीं करता, तो बैठे बैठे उसको बुढ़ापा भी जल्दी आ गया, हाथे माथे पर लकीरें उभर कर सामने आ गई। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है, और लाख की चूड़ियों के अलावा क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाख की वस्तुओं का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है निर्माण, उत्तर प्रदेश में। और लाख से चूड़ियों के अलावा मूर्तियाँ भी बनती हैं, गोलियाँ भी बनती हैं, सजावट की वस्तुएं भी बनती हैं।